इस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भारत के पास है और इस समय भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद ही गए हैं। भारत दो साल यानी साल 2021 और साल 2022 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर था और दिसंबर महीने के अंत में भारत की प्रेसिडेंसी के साथ साथ भारत की नॉन परमानेंट मेंबरशिप का टर्म भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दो साल के कार्यकाल के दौरान भारत दो बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहा। पिछले साल 2021 के अगस्त महीने के लिए भी भारत ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट था। भारत के टर्म की बात करें तो भारत अब तक 8 बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और खास बात यह है कि अभी भारत का यह टर्म कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि भारत के विदेश मंत्री ने दोबारा से नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत की तरफ से दावा ठोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज से ठीक 5 सालों के बाद यानी साल 2028 से 29 टर्म के लिए भारत की दावेदारी पेश कर ली है। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है तो भारत को डायरेक्ट ले लिया जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी कई सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। शायद आप में से कई सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करने में परमानेंट मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता है। वो सिलेक्ट होकर आते हैं यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग से। ये भी आसान नहीं है क्योंकि इसमें भी कई सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स एक ही रीजन या फिर एक ही कॉन्टिनेंट के हों, इसलिए इसके लिए भी कई सारे रूल्स हैं। 10 में से 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स एशियन और अफ्रीकन देश होते हैं, 2 मेंबर्स लैटिन अमेरिकन देश होते हैं, जबकि 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप से होता है, जबकि बाकी के बचे 2 मेंबर्स वेस्टर्न यूरोप या फिर दुनिया के बाकी किसी भी हिस्से से हो सकते हैं। सभी देशों को अपने रीजन से ही दावेदारी पेश करनी होती है। उसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया के 193 देश वोटिंग करके डिसाइड करते हैं कि उस देश को सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भेजा जाए या फिर नहीं। 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बनने से पहले साल 2020 में यूएन जनरल असेंबली में भी इसी तरह भारत के नाम के ऊपर वोटिंग हुई थी। वोटिंग में 193 में से भारत को 184 देशों ने वोट करके हमें समर्थन दिया था और सिक्योरिटी काउंसिल में भेजा था, जबकि वोट चाहिए होते हैं 2/3 यानी कि 129। इवन पाकिस्तान ने भी उस समय भारत के पक्ष में वोट किया था यानी भारत को सपोर्ट किया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जब भारत ने साल 2020 में अपने नाम की दावेदारी पेश की थी उस समय भारत को नॉन परमानेंट मेंबर बने 10 साल हो गए थे। 2021-22 के टर्म से 10 साल पहले साल 2011-12 में भारत नॉन परमानेंट मेंबर बना था, इसलिए भारत को फुल सपोर्ट मिला था। लेकिन इस बार भारत ने 5 सालों के बाद के लिए ही अपनी दावेदारी दोबारा से पेश कर दी है। लेकिन भारत के पक्ष में ये बात जरूर होगी कि साल 2028 तक भारत जर्मनी और मोस्ट प्रोबेबली जापान को क्रॉस करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय एशिया के कई सारे देश भारत के साथ अच्छे इकोनॉमिक टाइज चाहेंगे, जिसके चलते भारत को एशिया से नॉमिनेशन आसानी से मिल सकता है और फिर यूएन जनरल असेंबली में भारत को 193 में से केवल 129 वोट हासिल करने होंगे। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर ही भारत की दावेदारी दोबारा से पेश कर दी है, जो दर्शाता है कि भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा एक्टिव होकर काम करना चाहता है। हम ग्लोबल इश्यूज के ऊपर अब दुनिया को लीड करना चाहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के इश्यूज में भारत अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है और प्रोएक्टिव होकर बाकी देशों के साथ चलना चाहता है। ये वाकई में बहुत ही अच्छी अप्रोच है, जो दर्शाता है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में मोदी सरकार वाकई में बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को साल 2028 में दोबारा चुना जाएगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।